हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस को देखे थे, कुछ आईएमपी क्वेश्चन को देखेंगे थे जो कि सीईटी 2021 साइंस पार्ट वन के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नाउ देर आर सम मोर क्वेश्चंस जो कि इसी रिलेशन से है। सो इस वीडियो में हम लोग उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि उनके आंसर्स हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे आंसर को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहां पर है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन। देखो यहां पे एक वर्ड है, एनायन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। वो कौन से किस एलिमेंट का कैरेक्टर है जो एनायन फॉर्म करता है? क्या वो नॉन मेटालिक का है, क्या वो बेसिक का है, क्या वो मेटालिक का है या एसिडिक का है? अब देखो, आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं जिससे आपको कि कौन सा एलिमेंट क्या टेंडेंसी करता है एनायन या कैटायन फॉर्म करने का आपको याद हो जाएगा। जैसे सिंपल सा आप वर्ड देखो यहाँ पे क्या है, एनायन, एन आयन। एनायन में देखो आपको एक माइनस का साइन दिख रहा है, मींस क्या साइन दिख रहा है इसमें, माइनस का साइन दिख रहा है। माइनस का साइन मींस क्या हो गया, इट विल बी अ नॉन मेटेलिक। अगर कैटायन होता कि द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन, तो कैटायन कैसा है, कैटायन में आपको क्या साइन मिल रहा है, एक प्लस का साइन मिल रहा है। प्लस का साइन मींस क्या हो जाएगा, मेटालिक। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि यस, अगर आपको नेगेटिव आयंस एनायंस मिल रहे हैं, वो कौन से एलिमेंट जो एनायंस फॉर्म करते हैं, वो कहते हैं नॉन मेटालिक। एंड वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कैटायन फॉर्म करते हैं, तो है मेटालिक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। नेक्स्ट, द डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज, क्या उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्या हम उसको मेटालॉइड बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं या इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं? सो डी मेटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इस तरह से आपको याद रखते हो, देखो जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल, अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल सब होते हैं। एंड एफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं। तो आप तीनों को याद रखेंगे तो आपको इजिली आप आंसर्स को लिख पाएंगे। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय, किसी भी एटम का साइज कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्या उसके हम लोग एटॉमिक नंबर से इंडिकेट करते हैं, क्या रेडियस से करते हैं, क्या नंबर ऑफ सेल से करते हैं या एटॉमिक मास करते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट का साइज का मतलब क्या होता है, साइज मतलब सिंपल सा कि उसके सेंटर से, समझो एक कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मैं बना दूं, अब इसका साइज मतलब क्या हो जाएगा कि इसके सेंटर से इसका जो आउटर मोस्ट है उसका जो डिस्टेंस होगा वही उसका साइज बताएगा, वही उसका साइज बताएगा। सो जो रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है, यही रेडियस हमें क्या बताता है, इंडिकेट करता है साइज को। अब रेडियस क्या होता है, जो इनर सेल जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस, यही होता है एटॉमिक रेडियस। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस, एटॉमिक रेडियस के थ्रू क्या करते हैं उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो सेल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया इसको बोलते हैं एटॉमिक। सो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटर मोस्ट सेल। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन। अभी एटॉमिक रेडियस को हम लोग किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, क्या उसको हम लोग नैनोमीटर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, पिकोमीटर में करते हैं, माइक्रोमीटर में करते हैं या मिलीमीटर में करते हैं? द आंसर इज पिकोमीटर इज द आंसर इन विच एटॉमिक रेडियस इज
एक्सप्रेस्ड। एटॉमिक रेडियस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम लोग मापने के लिए हम लोग पिकोमीटर इस इकाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन। देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया, एनायन, एनायन मीन्स क्या है, माइनस, माइनस मीन्स क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक। क्या बोला यहाँ पे, कैटायन, कैटायन मीन्स क्या हो जाएगा, कैटायन, इसके अंदर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन मीन्स क्या हो जाएगा, मेटालिक। तो आंसर विल बी डायरेक्टली मेटालिक। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन इज मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के मेटालिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, डैश इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ हेलोजन फैमिली। देखो आपको मोस्टली बता दू, हेलोजन, हेलोजन फैमिली जो 17th ग्रुप है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारे के सारे अप्रोक्स सब क्या होते हैं, जो हेलोजन फैमिली के जितने भी हैं वो सब गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल, ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल जो कि हेलोजन फैमिली का तो है, बट ये कौन से फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म इन द हेलोजन फैमिली। वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ग्रुप ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, ग्रुप में लोग जाते हैं, ये ग्रुप ऐसे जा रहे ऊपर से, तो इस फर्स्ट वाले रो में इसमें एक रेडियस होगा, एक शेल होगा, इसमें दो होगा, इसमें तीन होगा। अब यहां पर देखो एक ही शेल है, यहां पर दो शेल है, यहां पर तीन सेल है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ जाता है। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो याद रखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होते हुए जाता है। इस पे आपको गिव रीजन भी आ सकता था एग्जाम में, गिव रीजन जब आपका बोर्ड अगर प्रॉपर होता तो ये इसमें क्वेश्चन आता ही है इस रिलेटेड, तो वहां पे हम बोलते हैं कि यस, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं सो न्यूली एडिशन होता है, किसका, न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं, जिससे जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। द एलिमेंट्स फ्रॉम जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप मतलब 18th ग्रुप, जो 18th ग्रुप के एलिमेंट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सो इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैस। एस मेटल, अल्कली मेटल कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रुप, अल्कली अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप, हेलोजन 17th ग्रुप, एंड नोबल गैसेस आर 18th ग्रुप, जिनको हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्यों जीरो बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। सो एलिमेंट्स फ्रॉम जीरो ग्रुप्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।